चतुर्मास देवशयनी एकादशी से शुरू होता है, लेकिन कहा जाता है कि इस अवधि के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। तो आइए इस वीडियो के जरिए जानते हैं कि चतुर्मास कब से शुरू हो रहे हैं और इस अवधि के दौरान मांगलिक कार्य क्यों नहीं किए जाते हैं। चतुर्मास देवशयनी एकादशी से शुरू होता है और इस साल देवशयनी एकादशी 17 जुलाई को है और इसी दिन से ही चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही चतुर्मास का आरंभ होता है और इस दिन को देवशयनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को क्षीर सागर में विश्राम करने चले जाते हैं, जिसके साथ ही सभी मांगलिक कार्यों को रोक दिया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य जैसे कि शादी ब्याह नहीं किया जाता। इसके अलावा आने वाले कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी तिथि पर ही इस चतुर्मास की समाप्ति होती है, क्योंकि तब श्रीहरि जागते हैं। इसलिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी कहते हैं। इस साल चतुर्मास 17 जुलाई 2024 से प्रारंभ हो रहा है और इसका समापन 12 नवंबर 2024 को होगा, यानी कि 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी मनाई जाएगी। तो आइए अब जानते हैं कि चतुर्मास के क्या लाभ हैं। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को चतुर्मास का आरंभ होता है और इस दिन को बहुत ही विशेष रूप से लाभ देने वाला माना गया है। इस समय ध्यान साधना का उत्तम समय आरंभ होता है। भक्ति सिद्धि प्राप्ति के लिए ये समय बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन पर ही श्रीहरि की योग निंद्रा शुरू होती है। इस दिन की शुरुआत को एकादशी मनाई जाती है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है और उनके योग में जाने को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि चतुर्मास के क्या नियम हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक का समय चतुर्मास होता है। आमतौर पर ये समय 4 महीने का होता है, इसलिए इसे चतुर्मास कहा जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी या हरिशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी से श्री हरि शयन में चले जाते हैं और इसी के साथ आरंभ होते हैं कुछ नियम। इस बीच सृष्टि के पालन का दायित्व महादेव पर होता है। इस समय शिव पूजन विशेष माना गया है। इसके बाद कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी पर उनका शयन काल समाप्त होता है और सृष्टि के पालन का दायित्व संभाल लेते हैं। ऐसे में इस समय पर कुछ मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह सगाई इत्यादि पर रोक लग जाती है। चतुर्मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। इसी के साथ ही इस समय उपनयन गृह प्रवेश वाहन क्रय समेत कई शुभ कार्य वर्जित होते हैं। तो इस प्रकार से आपको चतुर्मास के दौरान इन कार्यों को नहीं करना चाहिए। यदि आपके पास इससे संबंधित कोई सवाल है या फिर आप इससे संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।